जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके, तो मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड भाइयों, पुष्पा टू का फर्स्ट सॉन्ग पुष्पा पुष्पा को तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा। मल्टीपल टाइम्स जितनी बार देख रहे हो उतना ही मजा आ रहा है ना। और हर बार सॉन्ग में कुछ यूनिक और नया फील हो रहा है ना। मुझे पता है शॉर्ट एंड सिंपल पुष्पा टू का फर्स्ट सॉन्ग काफी हद तक हम ऑडियंस को डिसअपॉइंट तो नहीं किया, बल्कि मूवी के लिए हाइप्ड अप होने के लिए एनर्जी को बूस्ट कर दिया। मगर मैं यहाँ पर कोई सॉन्ग का रिव्यू नहीं करने बैठा हूँ भाई, वो मेरे औकात के बाहर है। ओपन माइंड से मैंने सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूजिक को जितना समझा मुझे बहुत पसंद आया। बट इस ओवरऑल सॉन्ग के अंदर मैंने बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स ढूंढ निकाला है, जो डिटेल्स पुष्पा द राइस मूवी से कनेक्ट होकर पुष्पा द रूल मूवी को डेवलप कर रहा है। पहले आप लाइक करो, तभी मैं डिटेल्स बताऊंगा, तभी मैं ईस्टर एग्स बताऊंगा। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करो लाइक कर दो। ओके, तो टीजर के फर्स्ट फ्रेम में ये हवन कुंडी एक बहुत बड़ा ईस्टर एग प्रोवाइड कर रहा है, जो डायरेक्टली पुष्पा द राइज मूवी में पुष्पा के शादी में जाके कनेक्ट हो रहा है। एग्जैक्ट पिछले मूवी का एंडिंग पॉइंट, व्हिच मींस इसी शादी से पुष्पा टू का कहानी स्टार्ट होने वाला है। देन खून से भिगा हुआ हाथ का छाप, वो भी पीठ में, याद आ रहा है ना। आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, पुष्पा टू के एंडिंग में भंवर सिंह शेखावत, याद आ रहा है पुष्पा ने उसे क्या कहा था कि मेरा खून ही मेरा ब्रांड है। इसके बाद वाले शॉट में हमें देखने को मिलता है सीसा चलम के जंगल में पुष्पा ने अपना एक बहुत बड़ा सिंडिकेट रेडी किया है, जहां हमें पुष्पा के आइडेंटिटी को समझने के लिए एक फ्लैग भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। खैर, नेक्स्ट शॉट में ये गोल्ड सिंबल को आप ध्यान से नोटिस करो, दो कुल्हाड़ी के साथ फ्लावर का डिजाइन पुष्पा के कैरेक्टर यानी उसके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ इसका डिजाइन पुष्पा के स्ट्रगल को भी हाईलाइट कर रहा है, कि वो कैसे कुल्हाड़ी के साथ शुरुआत करके आज गोल्ड का मालिक है, क्योंकि यही सिंबॉलिक बेल्ट को पुष्पा ने हर एक गेटअप पे पहन कर रखा है, खुद को एक ब्रांड साबित करने के लिए। देन नेक्स्ट शॉट में पुष्पा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते ही चेक पोस्ट का गेट अपने आप ऊपर जा रहा है, विच मींस पुष्पा अब वो पुष्पा नहीं रहा जिसे चेक पोस्ट पार करवाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करना पड़े, अब वो एक ब्रांड बन चुका है। सो सिर्फ उसका प्रेजेंट ही काफी है, गेट ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये शॉट पुष्पा के रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से मूवी का नाम पुष्पा द रूल है, और पिछले मूवी का नाम था पुष्पा द राइज, जहां पुष्पा ने स्ट्रगल किया, खुद को इम्प्रूव किया, और अब इस मूवी में वो रूल करेगा। देन इस सिनेमा हॉल के सामने पुष्पा का एक बहुत बड़ा पोस्टर सेट किया जा रहा है, और आपको मैं याद दिला दूं, ये वही सिनेमा हॉल है जहां श्रीवल्ली और उनके सहेली पिक्चर देखने आए थे, और पुष्पा के भाव ने श्रीवल्ली को पुष्पा को देखने कहा था, याद आ रहा है ना। पर उस सिनेमा हॉल के बाहर सुपरस्टार्स की जगह पुष्पा का बैनर लगाया जा रहा है, सो समझ रहे हो ना पुष्पा का दबदबा किस लेवल का बन चुका है। फिर इसके बाद आप देख ही सकते हो इस मूवी में अल्लू अर्जुन का एक न्यू डांस स्टेप जो बहुत स्टाइलिश है। मगर क्या आपको ये डांस स्टेप कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, स्पेशली जूते को लेकर पुष्पा का स्टाइल, तेरी झलक सरफी देख रहे हो ना विनोद। सिर्फ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके ये लोग सेम नॉस्टैल्जिया प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछली बार जूता उतर गया था लंगड़ाते हुए, इस बार भी जूता उतर गया लंगड़ाते हुए, मगर स्टाइल बदल चुका है, और वो स्टाइल पहले से काफी हाई लेवल पे जा चुका है। दिस इज प्रॉपर मास सिनेमा। अब आते हैं इस हाथ के छाप वाले सिंबल पर, वो थप्पा पीठ पे पड़ते ही एक ब्रांड बन जाता है, ये थोड़ा सा क्रिंजी और फील होता है यार, कि भाई ऐसे कैसे आपने एक ब्रांड बना लिया। मगर यार हमें भी समझना होगा, ये पुष्पा का रौला है, एक प्रॉपर मास पिक्चर है, और मास पिक्चर में ये सब चलता रहता है, इन्हीं को तो हमें एंजॉय करना होगा ना। सो पुष्पा ने इस लोगो को अपना ब्रांड बना लिया है, तो हमें भी उस ब्रांड को एक्सेप्ट करना होगा, हमें भी उसका सम्मान करना होगा, क्योंकि हम झुक सकते हैं मगर पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। वैसे भी जब ये ब्रांड का लोगो एक गोल्ड कॉइन पर छपा हो, तब हमें क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ये पुष्पा के रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि लाल चंदन और कुल्हाड़ी से शुरुआत करके आज वो कहां पहुंच गया है, गोल्ड का एम्पायर खड़ा कर लिया है, सोना ही सोना लागे दोस्तों। ओके, तो पुष्पा के ब्रांड के बारे में हमने समझ लिया, अब पुष्पा के आइडेंटिटी की बारी है, कि पुष्पा कोई फ्लावर नहीं बल्कि फायर है, और यही लोगो वाला फ्लैग पुष्पा के आइडेंटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। देन ये गाड़ी, याद आ रहा है ना, वो लाल मारुति पुष्पा ने कहा था 5 लाख तो खरीद के ला,
अपन उस गाड़ी पे ही चल के जाएगा। वो लाल मारुति अब लाल स्कॉर्पियो में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल। मगर गाड़ी का कलर वही सेम है, विच मीन्स लाल कलर को पुष्पा काफी ज्यादा पसंद करता है, जिस वजह से उसके आइडेंटिटी का फ्लैग भी लाल कलर का था। फिर इसके बाद स्कॉर्पियो के सामने कुल्हाड़ी का स्टाइल, डिटेल नोटिस कर रहे हो, पुष्पा अमीर जरूर हो चुका है मगर कुल्हाड़ी उसका शुरुआत था। इस वजह से वो कुल्हाड़ी को भी अपने आइडेंटिटी में शामिल कर लिया है, कुल्हाड़ी का बेल्ट, कुल्हाड़ी का सब कुछ। फिर इसके बाद ओवरऑल पृथ्वी को दिखाकर जब पुष्पा का ब्रांड सामने आता है, तब क्लियरली हमें समझ जाना चाहिए कि पुष्पा के लाल चंदन का सिंडिकेट या फिर बोलो उसका एम्पायर पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी वजह से वायर इस पुष्पा वाले ग्लिम्प्स में हमें बताया गया था कि पुष्पा मलेशिया, चाइना या जापान में कहीं पर रह सकता है। फिर इसके बाद लास्ट शॉट में पुष्पा को डांस करते हुए चाय पीने वाला शॉट कुछ याद दिलाता है कि जो पुष्पा किसी एक टाइम में मजदूरी करके चाय पीता था, वही पुष्पा आज सारे बॉसों का बॉस होने के बाद भी एग्जैक्ट वैसे ही चाय पी रहा है, बट स्टाइल बदल चुका है। समझ रहे हो ना अभिनव, डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा के पर्सनैलिटी को एग्जैक्ट सेम रखा है, पर रौला बदल चुका है, लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। क्योंकि डायरेक्टर सुकुमार जानते हैं कि मास मूवी में पीएचडी करने वाला स्टाइल प्रेजेंट करने वाला बंदा उसके मूवी का मेन हीरो है, जिसका प्रॉपर एग्जांपल ये है। हरगिज़ झुकेगा नहीं साला, सिर्फ झुकेगा नहीं साला से लेकर हरगिज़ झुकेगा नहीं साला, वो भी दोनों हाथों से। बस खत्म। क्या आपने इन डिटेल्स को नोटिस किया था? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपने सब कुछ डिटेल नोटिस कर लिया था तो भी लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। बस मिलते हैं खबड़ी यूनिवर्स के न्यू एपिसोड के साथ। बाय।